श्रीमद भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित उत्तर श्लोक संख्या 47 शब्दात अनुवाद तात्पर्य दिव्यंग ऋषि भक्तिनाथ स्वयं प्रोपान द्वारा शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतह परमात्मा तत्वम शब्दों न पूरकाकवान्न माया मयापरैतमुखे च विलज्जमा तद पदम भगवत परम से पुसो ब्रमेति यदिदुरजस्रसुखम विशोक शब्द श्य शांत शांद निर्भय प्रतिबोधमात्र भौतिक प्रतिबो चेतना के बिल्कुल विपरीत चेतना शुद्ध शुद्ध मलरहित समम भेद रहित सत्स कारण तथा कार्य का परमात्मतत्व आदि कारण, कारण का सकाम कर्म देने वाला, सकाम देने वाला। क्रिया अर्थ यज्ञ के हेतु माया माया, माया। पर भाग जाती है अभिमुखे के समक्ष भी लज्जित होकर वही वै ही पदम परम अवस्था भगवता श्री भगवान का परमस्या परम पुस पुरुष का ब्रह्मा ब्रह्मा इस प्रकार जो विदु विदित अजस्र असीम सुखम सुख शोक शोकरहित अनुवाद परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त है यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अन अनंतिम अवस्था है वे शाश्वत रूप में तो वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है वे पदार्थ नहीं अपितु तो परिपूर्ण चेतना है वे संदूषण से मुक्त है

क्या तद्वे पदम तद्वे पदम नदी चेन चेन कयो कयो नदी हां हम समझदार छी आमा नदी देव लागे हिंदी मा हां हिंदी में नदी कयो जी जी लाइन पूरा बोला जी 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 सत नहीं छे ना ओ ना यत्र ए हां शब्दो ने यत्र छे अर्थ मा शब्द शब्द नयात्र तात्पर्य तात्पर्य हम लंबा इसलिए इसी में तात्पर्य पढ़ते जाएंगे ओम ज्ञान दि मेरा अंदर से ज्ञान केन्मित कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे त्पर्य परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म या परम आश्रय है क्योंकि वही समस्त कारणों के कारण है इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म परम ब्रह्म का एक लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश उसके प्रतिरूप अंधकार से एक भिन्न धारणा है किंतु प्रकाश में विविधता होती है जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है अतः भौतिक उन्माद की विषमता के, के विरुद्ध <coughs> अतः भौतिक उन्माद की विषमता के विरुद्ध प्रथम निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने में निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का समावेश हो जाता है भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है जैसे कि प्रथम में वर्णित है मनुष्य को चाहिए कि परम पूर्ण के तीनों पहलुओं को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान श्री भगवान को जानें ये भगवान कि जो धारणा है वो इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है सबके लिए भौतिक जगत में है सबके लिए भगवान की धारणा अलग अलग होती है सब अपने अपने हिसाब से है। भगवान की धारणा मतलब फेक्युलेशन करते हैं लेकिन भगवान ऐसे नहीं है हमारे चिंतन के बाहर है अभी भगवान को कौन कौन जान सके हो बताने के बाद अभी भगवान के बारे में इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं शश्वत प्रशांतम अभयम भगवान शश्वत यानी अनादि मतलब हमेशा के लिए विद्यमान है शश्वत प्रशांतम प्रशांतम मतलब शांत और अभयम अभयम भगवान कभी भयभीत नहीं होते हैं हमने देखा भगवान की बहुत सारी लीला है लेकिन हमने कभी भी भाई, भगवान को भयभीत होते हुए नहीं देखा कोई भी लीला में सुना नहीं कि भगवान अभी भयभीत हो गया अभी भगवान घबरा गया और इस इतने बड़े राक्षस को कैसे मैं मारूंगा ऐसा कहीं नहीं आता है तो ये भगवान के लक्षण हैं गुण है कि भगवान कभी कहीं से किसी से भी डरते नहीं हैं हम लोग जनरली डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में भी डर जाते हैं जैसे कभी हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट रुक जाती है पावर चला जाता है तो हम डर जाते हैं फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत हम विमान में ऊपर उड़ते हैं नीचे देखते हैं तो छोटा छोटा चीज दिखता है तो किसी को फोबिया होता है वो डरता है लेकिन भग्मादु। रस्सी हाँ? आती है तो हमसे वो सांप आया हम डर 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 क्या हूँ भय अभिनिवेशितम यानी भय किसको लगता है जो कृष्ण के अलावा कुछ और चीज है वो सोचते है उसको भय लगता है यदि हमको भय लग रहा है तो हम सोचना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण के इसमें नहीं है कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसको डर नहीं लगता है एनी वे यहां इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होते हैं भगवान का और भगवान का प्रथम साक्षात्कार होते हैं ब्रह्म ज्योति में ये भगवान का प्रथम साक्षात्कार है मायावादी लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान यही अंतिम साक्षात्कार है नहीं ये भगवान का साक्षात्कार ये हमें समझ लेना चाहिए तीन पहलू में होते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान थी शब्द थे तो ये तीन साक्षात्कार सबसे पहला साक्षात्कार है ब्रह्म ज्योति उसके बाद दूसरा साक्षात्कार है परमात्मा का और तीसरा परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात्कार यहाँ आगे सेकंड पैराग्राफ प्रतिबोध प्रतिबोध मात्रम प्रभपद कहते पहले फर्स्ट श्लोक में कि मनुष्य को चाहिए कि परम पूर्णा को के तीनों पहलुओं को ब्रह्म परमात्मा दृदि भगवान को जान ले हमको अच्छी तरह इनको जानना है तीन पहलू है भगवान के परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं ये सूर्य का जो ज्योति है ऐसे करोड़ों सूर्य का ज्योति जहाँ से आता है वो भगवान भगवान का निराकार पहलू है ज्योति है ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान हम गीता में जिनसे उपदेश प्राप्त करते हैं वो भगवान है तो ये तीन पहलू है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए आगे प्रतिबोध मात्रम भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत अनुभूति है पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की छठ पटाहाट छठ पट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है निर्विशेष ब्रह्म शाश्वत है वहीं से भगवान की अवधारणा शुरू होती है भगवान को समझने का शुरू होता है लेकिन रो बात कहते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को डायरेक्ट समझ लिया जो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनके लिए ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार उसी में सम्मिलित है अलग करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रतिबोध मात्रम, ये शब्द है उसका अर्थ है कि भगवान की जो चेतना है वो बिल्कुल हमारी चे अवधारणा से बिल्कुल अलग है जैसे हमारी चेतना क्या है हम सो जाते चेतना खत्म हो जाती है मतलब खत्म हो जाती है मतलब हम शांत हो जाते हैं लेकिन भगवान ऐसे नहीं भगवान का शरीर वो भी पूर्ण चेतनामय है ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा बना हुआ है सच्चीज आनंद विग्रह उन पूर्ण रूप से चेतना है दो चीज़ होती है एक पदार्थ तो और एक चेतना चेतन चेतन तत्व तो। ये पदार्थ है हमारा शरीर पदार्थ है लेकिन उसके अंदर आत्मा जो चेतन आत्मा है इसी वजह से शरीर हिलता है तो ये चीज़ भगवान में नहीं है भगवान में पदार्थ नहीं है भगवान पूर्ण रूप से प्रतिबोधमात्र उनकी चेतना पूर्ण रूप से चेतना का रूप है जैसे आत्मा पूर्ण चेतन है लेकिन सूक्ष्म है ऐसे भगवान विभु है और पूर्ण रूप से चेतन है उसमें थोड़ा भी अंश नहीं है आ, माया का या भौतिक पदार्थ का तो ये ये भगवान की दूसरी अवधारणा है तीसरे परमेश्वर हर वस्तु के परम आत्मा है अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है जब भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है वे देह तथा मन की भौतिकताओं के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है अभी तो समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निराव शुद्ध प्रेम के पात्र है क्योंकि वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है तो जो व्यक्ति निरंतर सेवा करता है भगवान की तो उसको वो मुक्त हो जाता है और वो अवस्था में पूर्ण प्रेम उसका जागृत होता है यानी हम जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमारा भगवान की सेवा बढ़ेगी और भगवान की सेवा बढ़ने से हम भगवान को पूर्ण प्रेम करने लगेंगे और कुछ नहीं भगवान के अलावा किसी को प्रेम नहीं मतलब भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम करेंगे तो हमारे परिवार को समाज को राष्ट्र को सबको हम प्रेम करने लगेंगे क्योंकि मूल भगवान है वो प्रेम का मूल भगवान है यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो सब लोगों से हम प्रेम कर सकेंगे क्योंकि भगवान से प्रेम करते तो हम देखते हैं कि भगवान के सभी अंश है तो उन लोगों को क्यों हम ये करें अपना उसका द्वेष क्यों करें तो इसीलिए भगवान का जो भगवान में जिसका पूर्ण प्रेम है वो सबको प्रेम कर सकता है इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती अभी हम सुख सुख शु, जाते हैं लेकिन हमारा सुख का कोई अनुभूति नहीं, को को नहीं है हमको सुख की अनुभूति कहाँ है भक्तों को छोड़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं है भक्त प्रचार के लिए जाते उसको सुख मिलता है कीर्तन करते हैं उसको सुख मिलता है मंगल आरती करते उसको सुख मिलता है लेकिन जो भक्त नहीं उनके लिए सुख कहाँ है कहीं नहीं है इसको सुख जैसे यहाँ लिखा है माया का जो लिखा है ना कि माया परैत्य विमुख है भगवान यहाँ माया अभिमुख है भगवान के समक्ष नहीं होती है क्या होते है? माया परित्य परेत्य परित्य मतलब भाग जाती है परेती माया भगवान से भाग जाती है उसके सन्मुख नहीं रह सकती और हम लोग के समक्ष ही माया रहती है सन्मुख रहती है आओ बेटा भोग भोग तो काम करो लोभ मोह मध मत, मच्छरिया मत खूब मजा करो ये माया है ये माया सुख है माया यानी माया सुख सुख क्या है जो सुख नहीं है वो जब हम मानते कि ये सुख है हम सोचते हैं माया सुख है जैसे मांसाहार खाना सुख नहीं है लेकिन जो सोचते कि मांसाहार बहुत स्वादिष्ट है तो सुख है वो माए सुख है शराब पीना पाप है लेकिन सोचते हैं इससे मजा आती है वो तो हमको सुख मिलता है आनंद मिलता है वो क्या है पाप है ये यानी वो माए सुख है सुख नहीं है पर हमको दिखते कि वो सुख है शराब पी के कौन सुखी होता है <laughs> कोई नहीं सुखी होता है तंबाकू खा के गुटखा खा के पान खा के कौन सुखी होता कोई नहीं सुखी होता इसी प्रकार व्यभिचार करने से इहुं? कौन सुखी होता है कोई सुखी नहीं होता है यानी ये सब माया सुख है भगवान परेती होते हैं माया भगवान के परेती होते है। पीछे होते हैं और हमारे सन्मुख होते हैं यही हमारा और भगवान के बीच में डिफरेंस है इसीलिए मायाग्रस्त जीव बोलते मैं ही भगवान हूं तुम क्या भगवान हो तुम माया से हा? एक कोई एक हा? स्त्री को देखेगा तो तुम उसके पीछे दौड़ेगा तुम क्या भगवान बन सकते हो सुंदर सी को देखेगा दौड़ेगा तो ये भगवान इसीलिए लिखा कि भगवान की चेतना हमारी चेतना से बिल्कुल अलग है बिल्कुल हमारी चेतना क्या भुगतने की है भगवान भी भोगता है लेकिन वो परम भोगता है वो शुद्ध भोगता है शुद्ध है और हम भी भोगता बनना चाहते हैं लेकिन हम भुगत नहीं सकेंगे तो ये जो इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती यानी भक्ति करने से शाश्वत सुख मिलता है वो कभी बंद नहीं रहता है जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके हैं भौतिक संसार का सुख बंद हो जाएगा जब तक हमारे पास धन होगा और धन तब भी थोड़ा बहुत सुख मिलेगा हम प्रचार करने जाते इतने बड़े बड़े घर होते हैं इतने बड़े घर रहते हैं तीन लोग लेकिन सुख नहीं है सुख प्राप्ति के लिए लोग बड़े घर बनाते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता है बल्कि बड़ा टेंशन हो जाते है कितने ये रखने पड़ते हैं काम करने वाले झाड़ू मारने का अलग रसोई करने का अलग दरवाजा खोलने का अलग कितना रखना सब सफाई का लिए अलग कितने नौकर चाहिए बड़ा घर रहते हैं तीन और नौकर रहते बीस <laughs> ये सोचते हैं इतना बड़ा बन में सुख मिलेगा ये सुख नहीं है यहां सुख है ही नहीं पर और दूसरा एक बात है कि भगवान हमारे सबके साथ संबंध टूट जाएगा हमारे घर के साथ संबंध टूट जाएगा परिवार के साथ संबंध टूट जाएगा लेकिन भगवान के साथ का संबंध कभी नहीं टूटता अतः उसमें ना शोक है ना भय इसीलिए बोलते हैं ना अभय चरण अरविंद रे भज उमन श्री नंदन अभय चरण अरविंद इसीलिए भगवान के भक्त जो भगवान में शरणागत हुए हैं वो कभी भी शोक नहीं करते और भय नहीं करते <laughs> उनका सब कार्य हो जाता है जैसे हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो हमको सबको अनुभूति होती है हुँ? कि बड़े बड़े घर में जाना तो मुश्किल है लेकिन भक्त शोक नहीं करता है चला जाते हैं जैसे है चार कुमार मुझे इसकी याद आती है चार कुमार वैकुंठ में जा रहे थे वो प्रॉपर लिखते कि बच्चे कहीं पे भी जा सकते हैं उसको रोकना नहीं चाहिए तो जय विजय ने रोका इसी प्रकार भगवान के वक्त भग कहीं पे भी चले जाते हैं वो बोले यहां मत आओ बाहर निकलो तो निकल जाते है तो वो तो उसको भय ना तो उसको भय है ना शोक है शोक कौन शोचती थी शूद्र शुद्र, शुद्र शोक करते हैं लेकिन भगवान का भक्त भग कभी शोक नहीं करता ऐसा सुख शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है भक्तों का जो सुख है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता है भक्त भी नहीं वर्णन कर सकते और यज्ञों तथा अवस्था व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता यानी हम यज्ञ करने से या सकाम कर्मों का पालन करने से हम सुख नहीं प्राप्त किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है जिसे उपनिषद में वर्णन है मतलब ये भगवान के साथ जो सुख का आदान प्रदान होता है ये सब लोग नहीं समझ सकते उपनिषद में भगवान का वर्णन इस प्रकार से है कि ऐसे लगे कि भगवान निराकार है भगवान के हाथ नहीं है फिर भी भगवान कोई भी चीज को पकड़ सकते हैं भगवान के पैर नहीं है फिर भी भगवान कहीं पे भी तुरंत पहुंच सकते हैं दौड़ सकते हैं तो ये क्या है ये निराकार वर्णन भगवान के पैर नहीं हाथ नहीं है उपनिषद में ऐसा वर्णन है ईशोपनिषद में वर्णन है लेकिन यहां जो हाथ नहीं है पैर नहीं इसका मतलब क्या है कि भगवान के हाथ और पैर भौतिक नहीं है नहीं तो फिर दौड़ कैसे सकते तो भगवान के हाथ पैर सब कुछ दिव्य है ट्रांसेंडेंटल है तो वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है ये ईशोपनिषद उपनिषद में जो वर्णन है भगवान का ऐसा निराकार ब्रह्म जैसा लगेगा किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है भौतिक इंद्रिय भगवान में नहीं है वो स्वीकार करते हैं उपनिषद और इसी संबंध में इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान के हाथ नहीं है पैर नहीं है ऐसा उपनिषद में लिखा है लेकिन नहीं उपनिषद कभी भी भगवान की दिव्य इंद्रियों का अस्वीकार नहीं करते हैं यही प्रभुपात कहते हैं यहां पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है वे सभी दिव्य तथा भौतिक पहचान के कलमश से रहित हैं यही नहीं मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न सुख का आदान प्रदान संभव न हो पाता तो आज भी सिर्फ भगवान ही नहीं भक्तों मतलब जीव को भी इंद्रिय है नहीं तो फिर आदान प्रदान कैसे होगा हु? अगर हमारी आंख नहीं होती हाथ नहीं होता पैर नहीं होता तो हम तो 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 भगवान की सेवा कैसे कर पाते भगवान के दर्शन कैसे कर पाते भगवान तथा भक्त दोनों की ही सारी इंद्रिया भौतिक कलमश से रही यानी शुद्ध है यह बात है इसीलिए भगवान जैसे शांत है शाश्वत है भगवान प्रशांत है शाश्वत है विशेष रूप से शांत है भगवान इसी प्रकार भगवान का भक्त भग भी बिंदास्त है उनको कोई डर नहीं है हाँ इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं भगवान भौतिक कार्य और कारण से परे हैं जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख है सद असत परमा वहाँ पर भ्राह्मण भौतिक शक्तियों का वश नहीं चलता क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष वह लज जाती है यानी भगवान के सामने ही माया नहीं टिकती भगवान के भक्तों के सामने भी माया पीछे चली जाती है इसका मतलब यह है भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते हैं किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रिया शोक रहित है शोक नहीं करते भगवान एवं भक्त दोनों भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए उसे समझे यानी भौतिक और आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट क्या है अंतर है भौतिक इंद्रियाँ अपनी संतुष्टि के लिए होती है और आध्यात्मिक इंद्रिया भगवान को संतुष्ट करने के लिए है और न तो आध्यात्मिक इंद्रिया जब होती है शोक नहीं होता है तो हमारी सब धन कही है इसीलिए हमको शोक होता है आगे पढ़ते हम भौतिक जगत में इंद्रिया अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्र की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है यानी हमको इंद्रिय शुद्ध करना है भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजन के निमित्त किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप से बनी है अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है अभी समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिक इंद्रियों परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्मित है इसीलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए हाँ ऐसी हाँ ये मूल रूप में बनी हुई है परमेश्वर की सेवा करने के लिए और इसीलिए भक्त भगवान की सतत सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से हाथ पैर नाक हाँ कान जीवा इन सब से भगवान की सेवा करता रहता है इसीलिए भगवान के जैसे ही भक्तों की इंद्रिया दिव्य बन जाती है ऐसी इंद्रियों कर्म ऐसी इंद्रिय कर्म स्वाभाविक है यानी भगवान को प्रसन्न करना ही इंद्रियों का कर्म है और कोई काम नहीं है अतः हाँ वहाँ इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलम से अप्रभावित होने से अबाध तथा अविच्छिन्न अविच्छिन्न रूप में होती है क्योंकि इंद्रिया आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती है फलस्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों दिव्य पात्रों को समान रूप से होता है यानी जितना भगवान को आनंद देता है उतना ही भक्तों का आनंद देता है ये समझना है समान रूप से होती है चूंकि ऐसे कार्य अनंत और लगातार बढ़ते जाते हैं अतः यहाँ भौतिक प्रयासों की या कृत्रिम अवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाते हैं जिसका स्पष्ट वर्णन पंचम स्कंद पंचम स्कंद में होगा तो इस प्रकार हमें समझना है भगवान शाश्वत प्रशांतम और अभयम है और ही भी यदि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम भी शाश्वत अभयम और प्रशांत हो जाएंगे प्रशांत यानी बिल्कुल विशेष रूप से शांत और परमानेंट जीवन मिलेगा जो हम खोज रहे हैं हमें कैसा सुख चाहिए जो परमानेंट सुख हो हमारा सुख कभी घटना नहीं चाहिए शाश्वत परमानेंट सुख हो फिर प्रशांतम शांति वाला सुख चाहिए हड़बड़ी वाला सुख नहीं प्रशांतम्म और अभयम किसी का भय नहीं ये तीन चीज होती है ना तो सुख मिलेगा किसी से भय नहीं हो तो कितना अभी हमारा दुख होता है ओ मुझे अभी जान जाना है जॉब पर जाना है तुरंत अभी जाना पड़ेगा नहीं तो बॉस बोलेगा तो ये भय है सुख नहीं होता है कैसे न कैसे भाग के इतना आज आज लेट हो गया भागना पड़ेगा तो भागते भागते वो जाएगा वो भय रहता है भक्तों को भय नहीं देते है तो ये प्रशांत होते हैं कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में भक्त शांत रहता है ठीक है अभी मेरे साथ ये घटना हुई है मैं अभी अशांत हूँ लेकिन कोई बात नहीं भगवान सब ठीक कर देंगे इसको बोलते प्रशांत हम और उनको मालूम है जब तक मैं भक्ति करूँगा मैं भगवान से जुड़ा रहूँगा और भगवान से जुड़ना मतलब शाश्वत जीवन हमारा मृत्यु कभी नहीं होगा जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि भक्तों का मृत्यु कैसा होता है जैसे आदमी सो जाता है और उठता है तो कभी उसको ऐसा लगता है हो मैं खा हूँ ऐसे ही भक्तों का मृत्यु है भक्त का मृत्यु भक्त सो जाते हैं फिर उठता है तो भगवान के साथ होता है ये है भक्तों का मृत्यु ये सब हो सकता है ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है रियलाइजेशन है हमारा हुँ? हम सब भक्त धीरे धीरे मात्रा में रियलाइजेशन करेंगे अनुभूति करेंगे और फिर एक दिन हमारी अनुभूति जब संपूर्ण होंगी तब हम वास्तव में भगवान के साथ आदान प्रदान करते होंगे देखिए यदि हम इस छोटा सा जीवन अभी हमारा बाकी रहा है उस छोटे से जीवन में यदि हम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो इस जीवन के अंत में ही हम भगवान का दर्शन कर सकेंगे हुँ? और जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हरे कृष्ण भागवतम की जाए, शिला प्रभु पाद की जाए, मन छुव पति पावनीभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः